कभी जाकर जरा पूछो हमारे श्याम बाबा से, कभी जाकर जरा पूछो हमारे श्याम बाबा से, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, कभी जाकर जरा पूछो हमारे श्याम बाबा से, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है। जबकि सबको पता है देता है ये सबको सहारा, देता है ये सबको सहारा, दौड़ पड़ा जब जिसने पुकारा, दौड़ पड़ा जब जिसने पुकारा, ओ देता है ये सबको सहारा, देता है ये सबको सहारा, दौड़ पड़ा जब जिसने पुकारा, दौड़ पड़ा जब जिसने पुकारा, दौड़ पड़ा जब जिसने पुकारा, देख कर पांव छालों को कभी पूछा किसी ने ये, देख कर पांव छालों को कभी पूछा किसी ने ये, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, देख कर पांव के छालों को कभी पूछा किसी ने ये, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है। जबकि ये सच्चाई है, दुखियों के सब दर्द मिटाते, दुखियों के सब दर्द मिटाते, बनकर माझी नाव चलाते, बनकर माझी नाव चलाते, ओ दुखियों के सब दर्द मिटाते, बनकर माझी नाव चलाते, बनकर माझी नाव चलाते। और नाव चलाते चलाते वास्तव में हम सबकी तो नैया उबार देते हैं, मगर सच्चाई यही है कि कभी मरहम लगा करके श्याम के हाथों में पूछो, कभी मरहम लगा करके श्याम के हाथों में पूछो, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, कभी मरहम लगा करके श्याम के हाथों में पूछो, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, देते देते ये थकता नहीं है, देते देते थकता नहीं है, श्याम कहे मन भरता नहीं है, ओ श्याम कहे मन भरता नहीं बाबा है, ओ देते देते थकता नहीं है, देते देते थकता नहीं है, श्याम कहे मन भरता नहीं है, श्याम कहे मन भरता नहीं है, श्याम कहे मन भरता नहीं है, कभी अपना समझ करके बिना स्वार्थ के ये पूछो, कभी अपना समझ करके बिना स्वार्थ के पूछो, तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है, कभी जाकर जरा पूछो हमारे श्याम बाबा से, कभी जाकर जरा पूछो हमारे श्याम बाबा से, तुम्हारा हाल क्या है,
तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है बाबा, तुम्हारा हाल क्या है। वारे श्याम भैया बाबा पर खूब कृपा बनाए रखे। ये दिल से मैं मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि बाबा ऐसे ही भाव, कुछ अद्भुत भाव आपसे जो लिखवाते रहते हैं, इससे आपकी सेवा आपको बख्शे और आप ऐसे ही लिखते रहें। जो भाव, ये अद्भुत भाव लिखा है बाबा ने आपसे लिखवाया है, और मैं सभी सच्चे श्याम प्रवाहकों से जरूर कहूंगा इसको जरूर गाइए, एक बार दिल से जरूर गाइए। बाबा से पूछने की कोशिश तो हम सब कर ही सकते हैं। और क्या कहूं मैं कल भैया से मिला हूं कीर्तन में, और उसके बाद मुझे मिलकर भी अच्छा लगा। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छी प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हैं, खाटू आकर वो बैठे रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, उनके लिए प्रयासरत है कि उनको आगे लाया जाए। वो अच्छे भजन प्रवाहक बाबा के दरबार में अपने भजनों की प्रस्तुति करें। मैं बैठा हुआ था ताली कीर्तन में, तो कई ऐसे भजन प्रवाहकों को मैंने सुना, उनकी गायकी सुनकर के, उनका अंदाज सुनकर के, उनको संगीत का कितना ध्यान है, वो बेचारे आकर के चुपचाप बैठे रहते हैं पीछे। तो उनके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं बाबा, आपको खूब तरक्की दे भैया, और आपका खूब नाम रोशन हो। श्याम अग्रवाल भैया, मैं दिल से यही कह सकता हूँ कि आपने जो प्रयास किया है या जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये एक सार्थक प्रयास है, और इस प्रयास के लिए आपको मेरी ओर से, मैं पंकज निगम, आपको हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बधाई। और आपको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कहने के लिए। ये लाइव जबरदस्ती हमारी बहन ने कर दिया है, और हम गा रहे थे ऐसे, हम लोग आपस में ही गा रहे थे इसको बैठे, तो भाई साहब ने कहा कि नहीं इसको लाइव किया जाए, मुझे भी अच्छे लगे शब्द, तो ये लाइव हो गए। हम लोग यहीं मित्र मंडल में अभी बैठे हैं हम लोग, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये भाव है सच्चे जो हम लोगों के दिल में था, और हम लोगों ने इसको गाना शुरू किया और भैया ने लाइव कर दिया। आप सभी को जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय श्री।